फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नबील अकबर के बारे में। तो नबील अकबर की तरफ से म्यूजिक वीडियो आने वाली है, जिसका नबील अकबर कल नॉर्थ कराची में शूट करने वाले थे। नबील अकबर ने 27 मई को एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें नबील अकबर का कहना है, आई विल बी नॉर्थ टुमारो शूटिंग माई नेक्स्ट वीडियो, फॉर दोज हु वांट टू ज्वाइन आर इनवाइटेड, जस्ट रिमेम्बर आवर ड्रेस कोड इज ब्लैक। तो अब बात कर लेते हैं यंग स्टनर्स के बारे में। तो तलाय यूनस और बिलाल सईद के देजा वो ट्रैक के बारे में एक्टर इमरान अशरफ का कहना है, आई वेटेड फॉर दिस सॉन्ग लाइक लिटरली, लिसन गाइज दिस इज गोइंग टू बी ऑन रिपीट। एंड इमरान अशरफ ने शायद मिस्टेक से तलाय यूनस की जगह तला अंजुम को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मुफवाड ने लाइव सेशन में यंग स्टनर्स के साथ कोलैब के बारे में बात करते हुए YS के टू टून ट्रैक को भी अप्रिशिएट किया है। तो आप लोग भी सुन लो यंग स्टनर्स के साथ कब, अभी फिलहाल तो पता नहीं, बट दे आर डूइंग अमेजिंग। अभी इनका जो गाना है वो क्या से क्या वो। तो अब बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो उमर अंजुम ने लास्ट ईयर मोमिना मुनीर की पॉडकास्ट में बोला था कि रैप उनके लिए करियर नहीं है, जस्ट एक हॉबी है एंड उनका मेन फोकस फिल्म मेकिंग पर है। तो ये करियर होगा ना फिर, रैपिंग ही करियर है मेरे लिए, साइड हॉबी होगी, लाइक मेन फोकस मेरा फिल्म मेकिंग पे अभी भी है और आगे भी यही होगा। क्या बात है। तो इससे रिलेटेड अभी उमर अंजुम से पूछा गया है, एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि रैपिंग इज नॉट करियर, फिल्म मेकिंग विल बी माय करियर, और ये भी बोला था कि रैपिंग क्यूट नहीं करूंगा कभी, आज भी यही बोलोगे। तो उमर अंजुम का कहना है, यस। तो नेक्स्ट अपडेट यंग देसी के बारे में है। तो शुभ का रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है स्टिल रोलिन, जिसमें शुभ ने यंग देसी की वेंजेंस ईपी के 9 o'clock ट्रैक के जैसी सेम बीट यूज की है। आई डोंट नो कि शुभ ने यंग देसी के ट्रैक से इंस्पायर होकर बीट कॉपी की है या फिर ये कोई कोइंसिडेंस है, बट शुभ की स्टिल रोलिन एल्बम के डियोर ट्रैक के बारे में उमर का कहना है, शुभ स्नैप्ड ऑन डियोर। तो अगली न्यूज गुरुल होरी के बारे में है। तो गुरुल होरी ने अपने नेक्स्ट ट्रैक बातें का कुछ ऐसा स्निपेट शेयर किया है। आता हूं दिल ने के धड़कते बोले तो दोनों ही हालत में, रैपर ये शुरू से लटकते, लेता हूँ रकम में वक्त पे, कह देना उनको वो समझ लें, कह देना उनको ये सबक है, ठंडा सफेद और सबज है, बेटे ये लुई का लग जाए, कोई रैपर नहीं मेरे तो बेहतर बेटा, वो बातें हैं जो कहती हैं करके दिखाते हैं, रैपर तो गाते हैं, और अगर कोई मेरे से पूछे तो रैपर ये माठे हैं, मैं नीचे से आया हूँ यहाँ और गलत इरादे हैं। तो इस पे बिग बर्ड ने फायर इमोजीज कमेंट किए हैं। एंड रैप डीमन के कोका कोका ट्रैक के बारे में बोल जानी का कहना है, माय पर्सनल फेवरेट। तैमूर बेग ने ट्विटर पे पूछा है, डू पीपल स्टिल लिसन मशीन गन कैली। उमर अंजुम का कहना है, दिस सेट इज गोना लिव फॉरएवर। रामिस का एमसी हेडशॉट और हाशिम नवाज के साथ ट्रिपल फ्लैक्स ट्रैक ड्रॉप हो चुका है, जिसके बारे में रामिस का कहना है, दिस वन इज द थर्ड बैंगर फ्रॉम माय ट्रिपल सीरीज, स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल थ्रेट विद हाशिम एंड डीमन, मूव्ड ऑन टू ट्रिपल एक्स विद सैविज एंड उमर अंजुम एंड नाउ here। तो गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।